हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच हो गई है आराम करने की, और यही सोच हमें कुछ भी नहीं करने देती है। हर इंसान के अंदर ताकत है कुछ ना कुछ करने का। हर इंसान के अंदर एक अलग टैलेंट है जो दुनिया में किसी के बाप के पास नहीं है, और वो जो तुम कर सकते हो वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। 2 कौड़ी के आराम के कारण हमने हमारी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा रखा है, और पता नहीं क्यों हमारे आसपास के लोगों ने हमारी जिंदगी में एक बात डाल दी है कि जितना है उतने में खुश रहो, उससे ज्यादा नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें मिल जाए तो बहुत है। रोटी और कपड़ा ये एक भिखारी को भी नसीब होता है, और रही बात उसके मकान की तो वो कहीं भी रह लेगा। तो एक भिखारी और आप में क्या फर्क हुआ फिर? आपकी जिंदगी में जितना भी आराम है, जितनी भी फालतू की चीजें हैं, ये सब जो हो रही है उसका सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण और इन सब की एक ही वजह है कि आपकी जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपकी जिंदगी में। नहीं है ना आपकी जिंदगी में कोई मकसद, नहीं करना चाहते ना आप जिंदगी में कुछ भी, तो चलाते रहिए उस 2 कौड़ी के मोबाइल को, और उस मोबाइल में भी सिर्फ 2 चीजें, शॉर्ट वीडियोज और पबजी, और कुछ नहीं है। बस यही चलाते रहना। मैं कहता हूँ आगे रह के चलाओ बस ये, और कुछ भी मत चलाओ अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर आपको कदम बढ़ाना होगा। इस संसार के माया जाल ने आपकी जिंदगी को इस कदर जकड़ा हुआ है, इन जंजीरों ने आपको बांध कर रखा हुआ है। तोड़ दो इन जंजीरों को, निकल जाओ इससे बाहर, कुछ भी कर दिखाओ कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। इतिहास को पढ़ना नहीं है, इतिहास का हिस्सा बनना है। इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को रचना है। इतिहास रचना और रटना, इसमें सिर्फ च और ट का फर्क है, और इनमें 4 अक्षर आते हैं इन दोनों के बीच में, और इनमें जो ड का ढक्कन है ना वो आपके दिमाग पर लगा हुआ है। इस ढक्कन को उतार फेंको, तभी आपके दिमाग में कोई ढंग की चीज आएगी। सारी बकवास चीजों को डालने के बाद आपने ढक्कन को बंद कर लिया है। यह ढक्कन ना तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें आने देता है, और ना ही इन गंदी चीजों को जाने देता है। आपने इस माइंड को रिस्टार्ट करो। सब कुछ जानने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठते हो? अपनी मुट्ठी को भींच कर, सांसों को खींच कर अपने आप को बोलना है आई एम द कमिंग सून। मेरे परिवार में दूर दूर तक आज तक कोई भी करोड़पति नहीं बना, मैं बन के दिखाऊंगा। मैं अपने परिवार का पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो करोड़पति बनूंगा। अपने आप से बोलो ये बात। खुद को सफल बनाने में इतना व्यस्त रहो कि ना कोई त्योहार याद रहता है और ना ही कोई शादी। उस दिन से हर दिन त्योहार होगा जब मिलेगी कामयाबी। लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, पर असली इंसान तो वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। भरोसा खुदा पर है तो जिंदगी में वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप खुद चाहोगे। पूरे जोश के साथ में वीडियो का द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।